क्राइम और क्रिमिनल्स के पीछे पड़े, उनको पनपने ना दे। पुलिस की जो विजिबिलिटी है, पुलिस की जो हाजिरी है सड़कों पर दिन में और रात में, वो बढ़ाए, लोगों में कॉन्फिडेंस आए। और ट्रैफिक की जहाँ जहाँ समस्या है, हिसार में भी है, उसमें सुधार लाया जाए, पुलिस के रवैये में सुधार लाया जाए, पुलिस और लोगों के बीच के जो गैप है, जो दूरी है, उसको ख़त्म किया जाए। इस भावना को क्लियर किया जाए कि पुलिस जो है लोगों की सेवा के लिए है। जो विजिबल साइंस होते हैं पुलिसिंग कमज़ोर होने के, उनको दूर किया जाए। जैसा कि अगर खुले में कहीं शराब पी जा रही है, चिकन कॉर्नर्स पे या गाड़ियों में बैठ करके शाम के समय, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने अपने पुलिस कप्तानों से अभी बात भी की है, ये यही दर्शाएगा कि पुलिस काम नहीं कर रही है। अगर हमारी माँ बहनें शाम के समय कॉन्फिडेंट फील करती है कि वो अपने गहने पहन के बाहर निकल सकती है, तो पुलिस कामयाब है। और हम वैसी पुलिसिंग देना चाहेंगे कोई भी। सर, नशे की वजह से जो अपराधी और चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं, ये भी एक बार की बात करें, घर के अंदर भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं। एक महिला का भी गंगा के अंदर मर्डर हुआ, एक व्यक्ति के घर के बिल्कुल आगे से मोटरसाइकिल चोरी हुई, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये बहुत गंभीर समस्या है। देखो, जब कोई एडिक्ट बन जाता है तो उसको उसकी सोच अलग तरह की होती है, उसको पूरा समाज, अपना परिवार, सब कुछ अपना दुश्मन नज़र आता है। उसको आम जो ज्ञान की बात है वो समझ में नहीं आती है। तो ये सोसाइटी एक सोशल रिफॉर्म बहुत बड़ा कैरी करने की, जब मैं जन आंदोलन खड़े करने की बात करता हूँ, वो यही है कि केवल नशा पकड़ने से ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। हमको हर नशेड़ी तक पहुँचना है, जो स्टेट एक्शन प्लान में हमने किया है। अभी हम सर्वे करने जा रहे हैं, हर गाँव में, हर विलेज में सर्वे टीम्स बन गई। अभी सर्वे शुरू होने वाला है। हम हर नशा करने वाले विक्टिम कहते हैं हम उनको गुनहगार नहीं मान रहे। अभी नशा करने वाले तक पहुंच के उनके परिवार से काउंसलिंग करा के हम उनकी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। ये आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश में बताना चाहता हूं कि हम मदद करना चाहते हैं उस हर व्यक्ति की जो नशे में गिरा है और उसका परिवार उसको बाहर निकालना चाहता है। वी वॉन्ट टू सेव देम, क्योंकि डिमांड हमको कम करनी है। हम सप्लाई की तरफ एनफोर्समेंट किसे पकड़ रहे हैं, बट डिमांड भी कम करना बहुत ज़रूरी है। और ये गंभीर वारदातें तभी होती है जब काफ़ी समय तक हम एडिक्ट की सूचना देते नहीं है, उसको ट्रीटमेंट देते नहीं है, तो क्राइम का लेवल और उसका जो ज़रूरत है उसके शरीर की, वो भी बढ़ती जाती है, तो क्राइम भी बढ़ता जाता है। सर, एक छोटा सा सवाल हो, बड़े शहरों में क्लब और होटल शराब के लिए शालीनता के स्थान माने जाते हैं, लेकिन आदतों का रास्ता सीधा थाने में जाता है। आज भी आपके शहर के अंदर बिल्कुल ठेकों के आगे जो शराब पीते हुए नजर आते हैं, अभी आप कह रहे थे कि बाहर कहीं पीता हुआ मिलता, ठेकेदारों को कब आप कंट्रोल करें? आप एक हफ्ते बाद मुझसे बात करिएगा ये सब टॉपिक पे। सर, ट्रैफिक पुलिस की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, क्या ट्रैफिक पुलिस आप जैसे जो वीआईपी उनके लिए काम करती है, आम आदमी के लिए? जब आप जैसे वीआईपी टिकते हैं तो ट्रैफिक बिल्कुल कंट्रोल में होता है, और जैसे ही आप निकल जाते हैं तो ट्रैफिक अपने उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा कंट्रोल कब करेंगे? तो इसीलिए मैंने अभी अपने पुलिस कप्तानों से भी कहा कि आप अगर वीआईपी हो तो आप बार बार बाहर निकलो ताकि ट्रैफिक चुस्त मिले, है ना। तो उसका यह है कि अगर मैं भी दिन में चार बार बाहर निकलूँगा यहाँ पे, तो ट्रैफिक आपको कम से कम खड़ी मिलेगी। सी, इट्स अ मैटर ऑफ डेवलपिंग अ कल्चर इन पुलिस। ये अभी एक अगर व्यवस्था ट्रैफिक की सुधारनी है तो लगातार अगर अफसर मॉनिटर करेंगे तो होगा, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपको ट्रैफिक में सुधार मिलेगा।